नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप भाटिया हाजिर हूँ आपके सामने इनकम टैक्स से रिलेटेड एक और डिस्कशन लेकर के। आज के डिस्कशन में मुझे ऐसा लगता है कि अपने को एचआरए से रिलेटेड एग्जम्पशन को भी समझना चाहिए, क्योंकि सैलरीड पेड एम्प्लॉयज के लिए एचआरए एग्जम्पशन एक महत्वपूर्ण एग्जम्पशन है जिसके प्रति थोड़े बहुत कन्फ्यूजन चलते रहते हैं। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट दैट आई कैन गिव यू सम क्लैरिटी ओवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एज सच एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, इसकी एग्जम्पशन सर स्पेसिफिकली सेक्शन 10 क्लॉज 13 ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 से मिलती है। और एग्जम्पशन का क्राइटेरिया क्या है कि यदि किसी असेसी को जो कि एक एम्प्लॉय के रूप में काम करता है, सैलरीड पेड है और उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, तो उसको मैं जो आगे तीन अमाउंट्स बोलने वाला हूँ उनमें से जो भी कम अमाउंट होती है, जो भी मिनिमम अमाउंट होती है, उतने की एचआरए एग्जम्पशन मिलती है। तो ये अमाउंट एचआरए के एग्जम्पशन की क्या है सर? नंबर वन, एक्चुअल एचआरए रिसीव। नंबर टू, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। नंबर थ्री, 40% और 50% ऑफ सैलरी एज द केस में भी। सो इन तीनों में से जो भी कम अमाउंट होगी उसका असेसी को डिडक्शन मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा सेक्शन 10 क्लॉज 13A के अंदर। अब यहां एक बात ध्यान रखने की है सर, जब मैं सैलरी वर्ड यूज कर रहा हूं, जैसे मैंने बोला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी या 40% और 50% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का मतलब यहां पर बेसिक सैलरी प्लस डीएस है, यानी सारी सैलरी नहीं आएगी, केवल बेसिक प्लस डीए ही शामिल किया जाएगा। और जब मैं 40% और 50% की बात करता हूं तो 40% सैलरी का क्राइटेरिया लागू होता है नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज पे और 50% सैलरी का क्राइटेरिया लागू होता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के केस में। तो आप अपने सैलरी स्ट्रक्चर को देखते हुए इन तीनों अमाउंट्स का कैलकुलेशन करिए और जो भी इनमें से निम्नतम यानी कम से कम एटलीस्ट अमाउंट आएगी वो अमाउंट आपको एचआरए एग्जम्पशन के रूप में मिल जाएगी। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं कि एचआरए एग्जम्पशन क्लेम करते समय एम्प्लॉय को क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, एम्प्लॉयर कब उसे कंसिडर कर सकता है, कब कंसिडर नहीं कर सकता, तो इस विषय में सर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं कि नंबर वन, एम्प्लॉय को एक इनकम टैक्स रूल्स के अंदर फॉर्म 12BB है, जो रूल 26C से एमिनेट होता है, वो देना है अपने एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉयर उस फॉर्म के बेसिस पर एम्प्लॉय को एग्जम्पशन देगा। एम्प्लॉय को इस फॉर्म में स्पेसिफाई करना है एम्प्लॉयर को कि साहब वो कितना किराया दे रहा है और जो उसका रिलेवेंट लैंडलॉर्ड है उसका पैन नंबर क्या है, ये सारी सूचनाएं एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देता है जिसके बेसिस पर एम्प्लॉयर उसके एचआरए एग्जम्पशन को कंसिडर करता है। यहां पर सर ये भी जरूरी है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को रेंट एग्रीमेंट की एक कॉपी देवे, रेंट रिसीट्स की कॉपी देवे। अब रेंट रिसीट के संदर्भ में ये रूल जरूर है सर कि 3,000 रुपए से ऊपर की रेंट रसीद देना जरूरी है, यानी 3,000 से कम की है तो आपका रेंट रसीद नहीं भी दिया तो काम चल जाएगा। मैंने आपको एक चीज और बोली कि लैंडलॉर्ड का पैन नंबर भी देना है, तो वहां पर भी सर रूल ये कहता है कि 1 लाख से ऊपर का यदि किराया है तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन नंबर देना है, यानी 1 लाख तक के किराए पर लैंडलॉर्ड का पैन नंबर देने की आवश्यकता नहीं है, 1 लाख से ऊपर एनुअल किराए पर आपको लैंडलॉर्ड का पैन नंबर देना है। से फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर के पास में हो सकता है पैन नंबर ही ना हो, एम्प्लॉयर की जगह सॉरी अगर लैंडलॉर्ड है उसके पास में पैन नंबर ही ना हो, तो सर वो एक फॉर्म 60 में डिक्लेरेशन देगा कि मेरे पास में पैन नंबर नहीं है और वो डिक्लेरेशन आप अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सर आपको डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करके देने पड़ेंगे अपने एम्प्लॉयर को कि जिसके सपोर्टिव से आप एचआरए एग्जम्पशन लेना चाहते हैं। अब एक पिक्यूलियर पोजीशन ऐसी हो सकती है सर कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को या तो डिक्लेरेशन ही नहीं दिया या एम्प्लॉयर ने उसका डिक्लेरेशन माना नहीं, परंतु एम्प्लॉय फिर भी ईगर है कि उसको एचआरए की एग्जम्पशन मिले, तो क्या वो जो फॉर्म 16 में एचआरए एग्जम्पशन एम्प्लॉयर ने नहीं दिखाई या दिखाई परंतु सही अमाउंट से नहीं दिखाई और एम्प्लॉय कहता नहीं सर मेरी एचआरए एग्जम्पशन इतनी होनी चाहिए या मुझे एचआरए एग्जम्पशन मिली नहीं जबकि मिलनी चाहिए, तो क्या वो अपनी रिटर्न में उसको डिक्लेयर कर सकता है? 100% सर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, एम्प्लॉय कैन सर्टनली क्लेम इवन इफ द सेम हैज नॉट बीन एडमिटेड बाय द एम्प्लॉयर। बट व्हाइल यू आर डूइंग सो यू हैव टू बी रेडी दैट टुमारो व्हाइल द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल आस्क यू, यू आर सपोज टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन दैट डॉक्यूमेंटेशन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो सर आप ऐसी परिस्थिति में भी एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करके जो भी रिफंड आपका बनता है, टैक्स एडजस्टमेंट आपका बनता है, वो आप अवेल कर सकते हैं।
अब एक और बात सर जो यहां पर ध्यान रखने की है, क्या कि कई बार लोग कहते हैं सर मैंने मेरे माताजी को पिताजी को उनका मकान है मैं वहां रहता हूं, मैं तो वहां किराया देता हूं, मेरे भाई का मकान है किराया देता हूं, मैं एचआरए एग्जम्पशन लेना चाहता हूं, तो क्या दिक्कत है क्या उसमें? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर, आप रेंट एग्रीमेंट करिए, रेंट रसीदे दीजिए और आप एचआरए का एग्जम्पशन लीजिए। हाँ ये बात जरूर है कि सामने वाला व्यक्ति भी अपनी रिटर्न के अंदर ऐसी पर्टिकुलर इनकम को शामिल करते हुए चले, तभी सर वो बात प्रूव होती है कि आपने खर्चा किया, एग्जम्पशन ली, सामने वाले ने उसे अपनी इनकम के अंदर ऑफर कर दिया। तो यहां तक की बात ध्यान रखनी चाहिए। हाँ जनरली मैं लोगों को डिस्करेज करता हूं कि स्पाउस के नाम मकान है और मैं मेरी स्पाउस को किराया दे रहा हूं और एचआरए का एग्जम्पशन ले रहा हूं, तो जनरली वो प्रैक्टिस डिस्करेज की जानी चाहिए। अब एक और बात सर जो यहां समझनी चाहिए, बहुत सारे लोग जिनको के हम सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में रख सकते हैं, वो भी सर किराए के मकान में रहते हो, जैसे कोई प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं और वो किराए के मकान में रह रहे हैं, या इसी प्रकार से कोई एक एम्प्लॉय है जिसको एचआरए नाम का कोई अलाउंस ही नहीं मिलता, उनके लिए भी सर लॉ ने सेक्शन 80GG के नाम पर एक डिडक्शन दे रखा है। और वो ये कहता है सर 5,000 रुपये प्रतिमाह या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम या 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। यहाँ एडजस्टेड टोटल इनकम टर्म के लिए आपको एक बार सेक्शन 80GG रेफर करना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट में। इन तीनों में से जो भी राशि कम होगी उसका वो व्यक्ति भी डिडक्शन ले सकता है, यानी जिन्हें एचआरए नहीं मिलता या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको भी सर एक तरीके से 80GG के फॉर्मेट के अंदर डिडक्शन लेने का प्रावधान है। तो सर ये कुछ बातें थी जो एचआरए एग्जम्पशन से रिलेटेड मेरे दिमाग में आती गई और मैं आपके सामने रखता गया। यदि आपको एचआरए एग्जम्पशन पर कोई और क्वेश्चन आता है तो आप निश्चित रूप से मुझे लिख सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू सॉर्ट इट आउट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।